कैसे राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की ने टेडएक्स की स्पीकर तक का सफर तय किया? क्या एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए 3.7 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अर्न करना पॉसिबल है? जानिए फोर्ब्स अंडर 30 के लिस्ट में अपना नाम शामिल करने वाली अनु मीना और उनकी कंपनी एग्रोवेव के बारे में। सालों से इंडिया के स्मॉल और मार्जिनल स्केल फार्मर्स ने सप्लाई चेन में हो रही इनएफिशिएंसीज को झेला है और अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस पाने के लिए भी स्ट्रगल किया है। एज अ रिजल्ट फूड वेस्टेज होने लगा है। हेलो, माय नेम इज़ गार्गी दे। आई वेलकम यू टू स्टार्टअप पीडियास यूट्यूब चैनल। हियर वी ब्रिंग सम मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर स्टार्टअप स्टोरीज फॉर यू। आज हम बात करेंगे एक स्टार्टअप के बारे में जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने मोबाइल पिकअप स्टेशन के साथ फार्मर्स को मंडिया या फिर मार्केट में लाने के बजाय उनको अपने फार्म गेट पर ही सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। ये स्टोरी है गुरुग्राम बेस्ड एग्रोवेव की, जिसको अनु मीना जी ने 2017 में स्टार्ट किया था। मगर इस वेंचर की शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही अनु मीना ने अपने किसान दादा को देखा कि उनको अपने प्रोड्यूसर्स बेचने के लिए कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। तब से ही अनु मीना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ को सोचना स्टार्ट किया, जैसे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सब्जियों की लाइफ एयर प्राइस अटेन करना। अनु के लिए ये बात सिर्फ उसके दादाजी की या फिर किसी एक फार्मर की नहीं थी, बल्कि इंडिया के जीडीपी में 13% सर्व करने वाला पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था। एक ऐसा सेक्टर जो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। मिडलमैन को एलिमिनेट करके पूरा का पूरा फेयर प्रॉफिट फार्मर्स को देने की एम से अनु ने 2017 में एग्रोवेव स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर को रिसर्च, एनालाइज और टेक्नोलॉजी के साथ ऑप्टिमाइज करने के मिशन के साथ एग्रोवेव का लेइंग स्टोन रखा गया था। स्मॉल और मार्जिनल स्केल फार्मर्स को बेटर रिटर्न एंश्योर करने का जैसे अनु का एक एम बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रोवेव काम कैसे करता होगा। स्टार्टअप फार्मर्स से फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदते हैं और उनको सीधा बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक के हेल्प से सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है और सीधे कस्टमर तक पहुंचा रहा है, और इस प्रोसेस में मिडलमैन एलिमिनेट हो रहा है। एग्रोवेव स्टार्टअप में शामिल यंग पीपल, फार्मर्स और बिजनेस के बीच का गैप कम कर रही है। एग्रोवेव पिकअप मोबाइल्स का रूट मैपिंग करती है और उनके वेरियस कलेक्शन सेंटर्स जो वेयरहाउस और हब के रूप में शामिल है उनके लिए फंड्स का यूज करती है। पिछले साल कंपनी फार्म टू मंडी चेन के थ्रू 60-70% और डिमांड चेन के थ्रू 30-40% रेवेन्यू अर्न कर चुकी है। एंड नो डाउट कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रोवेव ने काफ़ी हद तक रिवैल्यूएशनाइज भी किया है। कंपनी का कहना है कि वो दिल्ली, NCR, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया और इंडिया के कई सारे स्टेट्स में करीब 3,500 फार्मर्स, 250 ट्रेडर्स और 400 बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं। करेंटली एग्रोवेव एक 20 एम्प्लॉय कंपनी है जिसने फिस्कल ईयर 20 में 3.7 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू काउंट किया था, जो फिस्कल ईयर 19 से 50% ज़्यादा है। रिसेंटली एग्रोवेव ने सीड फंड में अपना डिस्क्लोज्ड अमाउंट रेज किया और एक दिन में 50,000 से ज़्यादा सेल करने की एस्टिमेशन लगाई। एग्रोवेव की 30 से भी ज़्यादा स्टेडी कस्टमर्स हैं जो कैंटीन, कैटरर्स और रेस्टोरेंट्स हैं। अनु के एफर्ट्स के लिए उसका नाम फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी आया। उसका नाम इंडिया टुडे मैगजीन के टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स के बीच में भी आया। टेडएक्स में एज एन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर के रूप में भी वो दिखाई दी। फार्म टू टेबल बिजनेस जो कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों को ही वैल्यू देने का इरादा रखता है, वो मेट्रोपॉलिटन्स में बहुत ही फ्लॉरिश कर रहा है। एग्रोवेव ऐप डेवलपमेंट स्टेज में है। वो एक फार्मर्स ऐप के साथ साथ एक कंज्यूमर ऐप बनाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले फिस्कल ईयर 2021 तक 10 मिलियन डॉलर का फंडिंग रेज करने वाले हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव से अनु मीना ने एक नई टेक्नोलॉजी लेकर एक लंबी सफर तय की है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना व्यू कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।